साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एंटी जिस पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस में आ जाए, आप सभी बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप सभी बच्चों को बहुत ही प्यारा सा सेक्शन इंडियन इकोनॉमी का जो कि हो रहा है और स्टार्ट हो गया है। काफ़ी दिनों बाद आप सभी बच्चों के सामने मैं आज लाइव आ रहा हूँगा। आई होप सो सभी बढ़िया, सभी बच्चे एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई लिखाई से लेकर, और अच्छे से क्लासेस आपके सभी बच्चों की चल रही होगी। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोगों की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चे जल्द से जल्द आ जाए। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट आ जाए। आई होप सो सभी बच्चों को नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल गई होगी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए तो आप सभी बच्चों को पहले शेयर कर देते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को हम। चलिए तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, एज यू ऑल नो माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड आई एम स्पेशलाइज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एंड टेक कॉमर्स। मैं आप सभी बच्चों को कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए टीच कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। हालांकि अब इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स आपका कोई और ले रहा है, बट अभी कुछ आपका इंपॉर्टेंट सेशन जो कि क्रैश कोर्स वाला जो हो रहा है वो मैं आप सभी बच्चों के लिए ले ही रहा हूँ। और ये मेरा कोड है बच्चे, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी कोर्सेज का, अगर आप प्लस का या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो। और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है? चलिए जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है? चलिए तो आप सभी बच्चों को, आप मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप लोगों को एन टी यू जी सी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाना है, जो कि आप सभी बच्चों को पता है अनअकैडमी। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और आप सभी बच्चों के लिए जैसे कि पता है, हर एक वेडनेसडे को हमारे बैचेस लॉन्च होते हैं, जैसे कि आज हर वेडनेसडे को आपके बैचेस लॉन्च हो रहे हैं न्यू बैचेस, तो सभी बच्चे उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं हमारे बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा। इसके बाद जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और अपना मैनेज गोल में जाके गोल चॉइस कर लेना है एनटीए यूजीसी नेट के लिए। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक नहीं इंस्टॉल किया, सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और इसके बाद आप सभी बच्चों को प्लस पे क्लिक करना है अगर आप सभी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, और अगर फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है अगर आप लोग फ्री लाइव क्लासेस देखना चाह रहे हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, और मेरा प्लस का कोर्सेस आप सभी बच्चों के लिए आने वाला है, जो कि 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला, आप सभी बच्चों की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते ही आप सभी बच्चों को फॉलो कर लेना है, जिससे कि मेरी जितनी भी लाइव नोटिफिकेशन है क्लासेस की वो आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। और पेमेंट करने का आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वैलेट ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन को आप चूज करके पेमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
और इस क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम करना ना भूले। सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, इस ये जो रिडीमेबल पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को रिडीम करना ना भूले। इससे क्या है कि आप सभी बच्चों को जितने भी हमारे 10% डिस्काउंट मिलते हैं हमारे कोड को अप्लाई करके ABHI101, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, उस कोड के ज़्यादा आप अप टू 10% तक इस पॉइंट्स के थ्रू भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस का और आइकॉनिक का। प्लस का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अट्रैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, PDFs, लाइव टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। आइकॉनिक में इन चार चीज़ों के साथ साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल, SOP इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी। आगे बढ़ते हैं प्राइसेस की तरफ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं 20,000 का अगर है तो वो आपको 18,000 में मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं 2 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए लेना चाह रहे हैं तो 13,750 का सब्सक्रिप्शन, 12,375 का पड़ेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस कोड का इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर भी आपको जैसे 45,000 2 ईयर्स के लिए है, 1 ईयर्स के लिए 26,000 है, 6 मंथ्स के लिए 18,000 है, तीन पर आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट पर मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं इस कोड का इस्तेमाल करना। ठीक है, ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप सो सभी लोगों के सभी लोग एकदम बड़े होंगे। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आप सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन अभी ले लेना है क्योंकि आप सभी बच्चों के प्राइस हाइक होने को है प्राइस हाइक होने को है। तो जल्द से जल्द आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्द आप सभी लोगों को ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप प्लस के और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन आप सभी बच्चों को मैंने बता ही दिए हैं कि प्लस में क्या बेनिफिट्स है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। और आइकॉनिक में भी इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको और अलग अलग बेनिफिट्स हैं जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर बाय वीकली रिव्यूज, बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिपेरेटरी स्टडी मटेरियल और आप लोगों को कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन के SOPs मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी बच्चों की, इंडियन इकोनॉमी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है पहले से ही, इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन सॉरी आप लोगों को मैं लेने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है बच्चों, थोड़ा सा ना मैं बाहर गया था जिससे आप सभी बच्चों को पता है वैष्णो देवी, जिसके वजह से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी। 2-3 दिन से जब से आया हूँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके वजह से खांसी, जुकाम, काफ़ी कंटिन्यू फीवर भी हो गया था, अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे फीवर, तो इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट या मैनेज करना आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, 1948, 1950, 1951 या 1952, 48, 50, 51 या फिर 52। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। शिवांगी सिंह जी, बिस्ट शिवा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? इस टाइम कोई नहीं आ रहा। हाँ, मैं मुझे लगता है कि 12 बजे क्लास, काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली मैम क्लास ले रहा हूँ मैं, तो इसके ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से सभी बच्चे लोग आए नहीं हैं। ठीक है, चलिए और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल है। चलिए तो आप सभी बच्चों को जैसे कि पता है कि आंसर डी विल बी द राइट आंसर, आपका आंसर डी बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। क्या कि 1952 में आप सभी बच्चों के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया था कि किस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर वो मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर हम ये कहें एजुकेशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके लिए एक परिषद बनाया गया जिसको हमने कहा कि राष्ट्र विकास परिषद, या हम ये कहें कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1952 में कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आई होप सो आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी बच्चों को टाइम में रहते हुए आंसर्स करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, टाइम के अंदर रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को देना है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट, आर्थिक योजना एक विषय है इन द
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या अनस्पेसिफाइड इन एन स्पेशल लिस्ट। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने बताया भी है, यूनियन लिस्ट में वो लिस्ट आते हैं जो कि जिन बिल्स पर या फिर जिन एक्ट्स पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक्ट बनाती है, ठीक है, वो लिस्ट हमारी कहलाती है यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं, वो सारे आपके पॉइंट्स या वो सारे एक्ट बिल होते हैं जिनको बनाने का जो हक दिया जाता है वो सिर्फ हमारे राज्य विधानसभा या विधान परिषद बनाते हैं, ठीक है। या फिर कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे यूनियन लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंकरेंट लिस्ट हुआ। तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। इकोनॉमिक की जो प्लानिंग होती है या फिर हम ये कहें जो आर्थिक योजना होती है हमारे देश की, वो सारी चीज़ों का प्लानिंग कौन करता है, हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर वो आती है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन, पंचवर्षीय योजना के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार निर्भर करती है, टैक्सेशन ओनली टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग्स या फिर पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग। कर धन केवल कर धन और सार्वजनिक उधारी, सार्वजनिक उधार और घाटे का वित्त पोषण, कर धन सार्वजनिक उधार और घाटे का वित्त पोषण। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। तो आप सभी बच्चों को आंसर शो हो रहा होगा कि टैक्सेशन ओनली इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑफ, जो गवर्नमेंट डिपेंड होती है वो आपके टैक्सेशन पर डिपेंड होती है। अच्छा, डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब आई होप सभी बच्चे जानते होंगे कि सर डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का सर मतलब क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब ऐसा कुछ होता है कि कभी भी ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट को डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट को हमारे, देखो बजट होता है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बजट होता है हमारा, ठीक है, बजट का हमारा दो पार्ट होता है, एक आपका रेवेन्यू पार्ट होता है, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, ये दोनों होते हैं ना, ठीक है, एक आपका रेवेन्यू पार्ट होता है, एक आपका एक्सपेंडिचर पार्ट होता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं जब हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास, या रेवेन्यू की पहले बात करें, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट को रिसिप्ट कितना आ रहा है या फिर रेवेन्यू कितना हो रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू सिर्फ हो रहा है 100 रुपये और उसका जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर किसी भी तरीके का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, चाहे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, 100 रुपये का रेवेन्यू हुआ लेकिन खर्चा हमारा 150 का हो रहा है, ठीक है, तो ये बाकी जो 50 रुपये का जो खर्चा हो रहा है, ध्यान से समझिए, बाकी जो 50 रुपये का खर्चा हो रहा है, 50 रुपये का खर्चा ये गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी कहलाएगी। समझ पा रहे हैं, ये 50 रुपये का खर्चा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए डेफिशिएंसी कहलाएगी। अब इस 50 रुपये को कैसे फुलफिल करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिशिएट फाइनेंसिंग। मतलब आपके डेफिशिएट को कैसे फाइनेंस करना है, मतलब इस 50 रुपये को कैसे यूटिलाइज, मतलब इस 50 रुपये को कैसे फुलफिल करना है कि हमारा बैलेंस्ड आ जाए या इक्विलिब्रियम में, कंडीशन में आ जाए, ठीक है। रूपाली शुक्ला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम, राष्ट्र विकास परिषद को इसकी प्रशासनिक सहायता मिलती है प्लानिंग कमीशन के थ्रू, फाइनेंस कमीशन के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के थ्रू या फिर सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग।
काफ़ी दिनों बाद आप सभी बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है। आई थिंक 10 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए, 10 दिन के करीब हो गए। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है ना, इसलिए गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लग रहा है, भूल गए। हाँ चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और टाइम में रहते हुए। आप सभी बच्चों को मैंने बार बार बताया है कि आंसर करना है टाइम में रहते हुए, समझ रहे हैं आप सभी लोग। जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आता है, एकदम ऐसा आप सभी बच्चों को समझना है कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं, तो आप सभी बच्चों को टाइम के अंदर रहते हुए आप सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, प्लानिंग कमीशन विल बी द राइट आंसर, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। एक बार इसको रफ कर देते हैं, जो हमारे एनडीसी है, जो हमारा राष्ट्र विकास परिषद है, इसको जो प्रशासनिक सपोर्ट मिलता है, या हम ये प्रशासनिक सहायता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो मिलता है, वो हमारे योजना आयोग से मिलता है, प्लानिंग कमीशन के थ्रू से मिलता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है। और आप सभी बच्चों को ये समझना है कि आपको टाइमिंग के अंदर आंसर करना है, टाइमिंग के अंदर रहते हुए आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। फाइव ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य देश को औद्योगिक रूप से विकसित करना है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट कोऑपरेटिव सेक्टर, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्कार प्रिया जी। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड आप सभी बच्चों को आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने सी दिया, सिर्फ 1, 2, 3 बच्चों ने सी आंसर दिया है, ठीक है। 3 बच्चों ने आंसर सी दिया है। अब जितने भी आंसर दे रहे होंगे, मैं ये समझूंगा कि भाई आप लोग टाइम के बाहर आंसर दे रहे हो, आंसर शो होने के बाद आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को आंसर जल्दी से जल्दी करना है और सही करना है, ठीक है। लेकिन आंसर जरूर करना है, एक बार को चलो ठीक है गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आंसर जरूर करना है, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है। सो द पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स विल बी द राइट आंसर। ये तीनों ही सेक्टर, सॉरी चारों ही सेक्टर को आप सभी बच्चों को मतलब कि बताना चाहूंगा कि फाइव ईयर प्लान जो हमारे भारत देश के अंदर आया था, इसका जो इंटेंशन था डेवलप करने का, ये चारों ही सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके, चारों इंडस्ट्री में जितने भी सेक्टर से इनको डेवलप कर सके, ये फाइव ईयर प्लान्स के अंदर रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th की तरफ। द प्लानिंग कमीशन इज, योजना आयोग है, क्या है? एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एन एडवाइजरी बॉडी है, या फिर एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है, एक स्वायत्त निगम है। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। 6th का सी होगा, सी 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 सी। अंकिता कुमार जी कह रहे हैं बी होगा, देख लेते हैं आंसर क्या होगा भाई। चलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, एन एडवाइजरी बॉडी विल बी द राइट आंसर। ये एक सलाहकार निकाय है प्लानिंग कमीशन, जैसे कि लग भी रहा है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है कि चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को मतलब किसी भी प्रति योजना बनाना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसके प्रति एक क्या करना है, एडवाइस देना, एक हमारे कंट्री की गवर्नमेंट को एडवाइस देना, नहीं ये काम आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी क्लास ले रहे हो आप, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्लानिंग कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरीली द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। चलिए इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है भाई, इतना इतना लेट लगाओगे बच्चों, हाँ इतना लेट लगाओगे। प्रिया पांडे, मनीषा मिश्रा, अंकिता कुमारी, मानसी दीक्षित, रूपाली शुक्ला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो हमारे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ध्यान रखना। हमारे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्लानिंग कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा ठीक है, सो द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज व्हाट। मार्च टू अप्रैल, सितंबर टू दिसंबर, जैन टू जून, फेब टू अप्रैल। चलिए तो देखते हैं, 8th का सी आंसर दे रहे हैं बच्चे, जून, जनवरी टू जून। चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छा इसमें भी आगे आंसर आप सभी बच्चों का सी, ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट है, जैन टू जनवरी आपका परफेक्ट। स्लैक सीजन मतलब समझते हो आप लोग, क्यों भाई बच्चों, स्लैक सीजन मतलब समझते हो, ऐसा सीजन जो कि आप लोगों को बहुत लो रेनफॉल देखने को मिलता हो, ऐसे सीजन जहाँ पे आप रेनफॉल, जहाँ आप सभी लोगों को बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है, इस सीजन को बोलते हैं स्लैक सीजन। ठीक है, तो आंसर जैन टू जून, अभी जो जनवरी से जून का महीना होता है इसमें कहाँ ज़्यादा बारिश आप लोगों को देखने को मिलता है भाई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा मैं आज आप सभी बच्चों को ऐसा लग रहा हूँ बहुत कम एनर्जेटिक दिख रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा कि सर मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि जब सर एनर्जेटिक नहीं है तो बच्चे कैसे, कभी कभी ऐसा होता है एक्चुअल में कि सर ही एनर्जेटिक नहीं तो बच्चे कैसे एनर्जेटिक नहीं, लेकिन बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से आप सभी बच्चों के सामने मैं एनर्जेटिक चाह के भी नहीं हो पा रहा हूँ, वरना मैं इस हालत में तो बस मुझे अभी सो जाना चाहिए मस्त से, लेकिन कोशिश है कि अभी आप लोगों को पहले क्लास ले लीजिए, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाई आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड स्कीम ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP इज रन बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है आपका गुरुपद स्वामी कमिटी डील विद द इशूज ऑफ चाइल्ड लेबर। चलिए
चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। 11, 10, 9, 8, 7 कौन कौन से स्टेटमेंट में से सही है? सिर्फ फर्स्ट सही है, सिर्फ सेकंड सही है, या फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड? दोस्तों जिन्होंने आंसर मेरे प्यारे दोस्तों सी दिया है, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर दिया है। बच्चों आंसर ना सभी को करना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? बच्चों जिन बच्चों ने आंसर सी दिया, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली राइट हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पुअर एंड पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? दो लाइन होती है आपकी, एक अबव द पॉवर्टी लाइन उनका एक पर्टिकुलर कार्ड बनता है जिनको हम बोलते हैं APL, उस कार्ड का नाम, और एक जो कार्ड बनता है उसको बोलते हैं BPL, उसको बोलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना? तो ये जो होता है आपको इसमें क्वेश्चन में आता है, ऐसे कौन कौन से इसमें से स्टेट्स हैं जो कि ग्रामीण, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रामीण गरीबों तो ज्यादा कंसंट्रेट करने को हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब पाए जाते हैं। चलिए आपका इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये तीन चार आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रामीण गरीब, रूरल पुअर, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, अब अच्छा हमें डिसाइड, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग पाए जाते हैं। अच्छा होता क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन एक लाइन डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि इस लेवल तक के इनकम वाले जो पर्सन होंगे, इस लेवल तक के इनकम वाले जो पर्सन होंगे वो पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे, और वो पर्सन अगर उतना रुपए अर्न कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक आदमी की जो अर्निंग होनी चाहिए वो 50 रुपीज पर डे होनी चाहिए, 50 रुपीज पर डे होनी चाहिए, अगर वो 50 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे वो नहीं आएगा। अगर वो 50 रुपीज अर्न नहीं कर पा रहा है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी एंड नन ऑफ द अबव। भारत की मजदूरी नीति आधारित है, रहने की लागत, जीवन स्तर, उत्पादकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ये आपके आंसर क्या कहलाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडिया की जो वेज पॉलिसी है वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। आप जो रह रहे हो उसकी लागत कैसी है, उस लागत के बिहाफ पे इंडिया की जो वेज पॉलिसी है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? सो जिन बच्चों ने आंसर ए परफेक्टली दिया है उनका आंसर राइट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी द राइट आंसर, कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी द
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके स्क्रीन पे, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज, बेरोजगारी जो तब होती है जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चले जाते हैं, वो कौन से बेरोजगार कहलाते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट, चलिए बहुत ही बढ़िया। और आपके आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस तरीके की बेरोजगारी होती है जब एक पर्सन एक आदमी से एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को पकड़ता है। तो आप खुद समझो कि मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, ध्यान से समझना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मान लो कोई एक्स पर्सन है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने कितने तरीके के होते हैं ना। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो एक्स पर्सन ए लिमिटेड में काम करता था अभी, है ना, ए लिमिटेड में काम करता था। अब इस ए लिमिटेड में काम तो करता था ये एक्स, लेकिन मान लीजिए इसकी जो नौकरी है वो जून के महीने में छूट जाती है, या निकाल दिया जाता है, या ये छोड़ देता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई घर का कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा, सैलरी का कोई रीजन होगा जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा। तो ये एक्स जो बंदा है ये ए लिमिटेड से अपनी जॉब को छोड़ता है। अब इसको जॉब को पकड़ जून में छोड़ा इसने, अब मान लीजिए कोई पी लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई पी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब ये पी लिमिटेड में ज्वाइन होना चाहता है, तो अब इस मान लीजिए ज्वाइन होता है, मान लीजिए अगस्त में ज्वाइन होता है, तो ये जो जून जुलाई का जो महीना है ना, जुलाई भर में तो ये क्या रहा बच्चों, अनएम्प्लॉयड रहा, है ना। एक जॉब से दूसरी जॉब को जाने में इसको एक महीना लग गया, वन मंथ आप सभी बच्चों को देखने को मिला कि एक महीना लग गया। तो इस एक महीने में जो ये अनएम्प्लॉयड रहा ना, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक जॉब से दूसरी जॉब बंदा पकड़ता है तो उस बीच में जितने टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार रहता है, उस टाइप के बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, आपको समझा दे रहा हूँ सारा अनएम्प्लॉयमेंट, कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे मान लीजिए गर्मी का टाइम है, गर्मी में जो आइसक्रीम बेचते हैं या फिर आइसक्रीम के ठेले लगाते हैं या फिर गर्मी वाले जो कपड़े बेचते हैं या फिर गर्मी वाले जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, अब वो सिर्फ गर्मी के ही कपड़े बनाते हैं, गर्मी का ही सारा काम करते हैं, मतलब गर्म का ही सारा काम करते हैं। मतलब गर्मी में चाहे वो आपका आइसक्रीम, मान लो आइसक्रीम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आइसक्रीम वाला जो सीन है अब वो सिर्फ गर्मी गर्मी में बिकेगा, ठंडी में उतना ज़्यादा नहीं बिकेगा। तो एज अ सीजन गर्मी में तो बहुत अच्छा चलेगा उसका, लेकिन उसके बाद वो क्या बन जाएगा, बेरोजगार। और फिर गर्मी आएगी तब दोबारा उसका सीजन बनेगा आइसक्रीम बेचने का। तो वो क्या हुआ बच्चे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे इकोनॉमी के तीन सेसेस होते हैं। एक आपका जब इकोनॉमी बूस्ट बूम पर हो, एक होते इन्फ्लेशन पे हो, एक जब होता है मार्केट आपका डिफ्लेशन पे हो, ठीक है। तो ये जब मार्केट के डिमांड, ये जो साइकिल चल रहा होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और बूम पर या रिसेशन वाला, ये जो इकोनॉमी का ये जो साइकिल चल रहा होता है, इस साइकिल की वजह से बहुत लोग निकाल दिए जाते हैं, बहुत लोग और ज़्यादा डिमांड होती है तो लोगों को हायर किया जाता है। अब आप ये समझो कि कोरोना काल में लोगों को ज़्यादातर निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं रहा और डिमांड मार्केट में हो गई कम, जिसके वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन रुक गया। अब प्रोडक्शन रुक गया तो सिंपल सी बात है, क्या लोगों को जबरदस्ती कंपनी में बुला के सैलरी थोड़ी देंगे, उनको निकाल दिया कंपनी ने। अब जब उनको निकाल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस टाइप की बेरोजगारी को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो वो टेक्नोलॉजी जो उतने इतना ज़्यादा है कि उसके लिए काफ़ी स्किलफुल पर्सन चाहिए, लेकिन अब उस स्किलफुल पर्सन के लिए वहाँ पे इतना स्किल, मान लीजिए ऐसा ऐसा समझते हैं इसको, कहें पेन भाई, चलिए मान लीजिए ऐसा समझते हैं कि ये एक ए पर्सन है,
अभी जो ए पर्सन है और ये जो मान लीजिए कोई आर पर्सन है, ठीक है, अभी ए और आर ये दोनों ही एक ऐसे पर्सन है जो कि एक पी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, है ना, पी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अब ये ए और आर जो पी लिमिटेड कंपनी में मेरे प्यारे दोस्तों काम करते हैं, ये तो नॉर्मली हैंडीक्राफ्टेड है या फिर जितना इनको आता है, जितना ट्रेनिंग दी गई थी उतना उनको आता है बढ़िया तरीके से, मशीन चलाने आता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसी तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसको वो यूज करना ही नहीं जानते। अब जब यूज करना नहीं जानते तो कंपनी क्या करेगी, इनको निकाल देगी, ए को भी निकाल देगी, आर को भी निकाल देगी। क्यों निकाल दिया, और वो हो गए बेरोजगार। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका हो गया एडवांस्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उनको निकाल दिया गया। तो यह आपकी कहलाएगी क्या बच्चों, तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी की वजह से जब बेरोजगारी हो जाती है। आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चे, जब एक जगह से दूसरी जगह तक आप जब जॉब पकड़ते हो उस बीच में जब जब तक आप बेरोजगार रहते तो उस बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, भारत में ज्यादातर बेरोजगारी के प्रकार की विशेषता इस प्रकार की जा सकती है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल या फिर डिसगाइज्ड। आप लोगों ने डिसगाइज्ड का बड़ा नाम सुना होगा, आप लोगों ने डिसगाइज्ड का बड़ा नाम। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, 19 सेकंड रह गए आपके पास। चलिए डिसगाइज्ड वाला आप लोगों ने सभी बच्चों ने सुना होगा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, क्योंकि तो भारत देश में वाकई में आप लोगों ने काफी दिन पहले सुना होगा कि ये जेसीबी वाला केस सुना होगा आप लोगों ने। इतने लोग खाली हैं कि आराम से जाके जेसीबी की जो खुदाई होती है वहां पे जाके देख रहे हैं। होता क्या है इसमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस तरीके की बेरोजगारी होती है जहां पर एक खेत का मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक खेत में रिक्वायरमेंट है टोटल 10% की, 10% मैक्सिमम है कि 10% अगर हम इस खेत में पर्टिकुलर इस खेत में काम करें, इस खेत में काम करें 10% मैक्सिमम है इतने बड़े खेत के अंदर ये अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे 10 की जगह आपने लगा दिया 15%, कितना लगा दिया बच्चे 15% लगा रखे हैं, है ना, मतलब रिक्वायरमेंट है 10 की लेकिन आपने लगा रखे हैं कितने 15%। अभी जो बाकी 5% है ना, बाकी जो 5% से ये बैठ के क्या पियेंगे, चाय। क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। क्यों रूपाली शुक्ला जी, क्या पियेंगे बच्चों, चाय पियेंगे। रूपाली बना के देते रहेगी चाय, ठीक है, ठीक है, चाय पे शायरी सुनाते रहेंगे तो ईच पे पियेंगे चाय। अभी जब चाय पियेंगे तो ये पांच लोग, ये जो यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है इनको हम एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप कहीं पे जो लगे हो, आपके पास जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, वो होता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब। आपका प्रोडक्टिविटी दिखना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी पता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है, आउटपुट मिलना चाहिए आपके स्किल्स के हिसाब से, तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, डिसगाइज। तो ये इस हिसाब से ये जो 5% है जो चाय पी रहे हैं बैठ के, ये 5% एम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयड क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट कम है, हमने लगा रखा है ज्यादा, जितना ज्यादा लगा रखा है उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या कहना है, क्या बोलेंगे उसको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आगे समझते हैं फ्रिक्शनल बताई दिया, साइक्लिकल बताई दिया आपको, स्ट्रक्चरल किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आपके पास स्किल बड़ी अच्छी वाली है, अब आप समझ लो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, अरे बीटेक वाला बच्चा, अरे बच्चे ने बीटेक किया हुआ है भाई, क्या किया बच्चे, बीटेक किया हुआ है, बीटेक की स्पेलिंग गलत लिखा, BETECH है ना, BETECH है ना, बच्चे ने बीटेक किया हुआ है। एक सेकंड रुको, ये जब तक मुझे क्लियर मिटा नहीं दूंगा ना, रफ नहीं करूंगा जब तक मुझे चैन ही नहीं आएगा। बच्चे ने बीटेक किया हुआ है और 4-5 साल बढ़िया से पे फेसेस, अब इतना अच्छा स्किल है इस बंदे के पास, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है बच्चा, इतना करने के पढ़ाई करने के बाद पैसा लगाने के बाद अगर वो
15 to 20K का जॉब करता है, 15 से 20 हज़ार तक का जॉब करता है, तो उसके लिए मैं ये नहीं समझता कि वो उसके लिए स्किलफुल जॉब है। कहने का मतलब ये कि जो स्किल उसके पास है बीटेक में इंजीनियरिंग वाली, अगर वो इंजीनियरिंग वाले स्किलफुल में नहीं है, वो बल्कि किसी और स्किल में है जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, जो उसने पढ़ाई की है, तो वो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया। तो इस तरीके के बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो काम कर भी रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि हमारे देश में बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पे पाए जाते हैं। कितने लोग, कहा जाता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे ही खाली पड़े हैं। हमारे देश में इंजीनियर्स इतने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि इंजीनियर्स कभी कोई जॉब कर रहे हैं, कभी BPO सेक्टर में जा रहे हैं, कभी किसी सेक्टर में जा रहे हैं, कभी किसी सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन वो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों? अब क्या उनकी मतलब रिक्वायरमेंट उतनी नहीं हो पा रही है, उतना स्किल नहीं है उनके अंदर? तो ये जो चीज़ें हैं, इस टाइप की बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्गाइज्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आप सभी बच्चों का, अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लॉसेस इट्स वैल्यू लूजेस इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर में भी प्रिफरेबल इज नोन एज। कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि जिसमें पैसा अपना मूल्य उस बिंदु तक खो देता है जहां वस्तु विनिमय भी बेहतर हो सकता है के रूप में जाना जाता है। चलिए बताएं जल्दी से। चलिए नोएडा के सारे कॉल सेंटर में 75% वेटिंग वाले ही भरे हैं जी। बिल्कुल 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 सही बात है ये, ऐसा झूठ नहीं, मतलब सही बात बोल रही बच्ची है कि ज्यादातर यही दिक्कत ही हो रही है कि हमारे देश में जिस स्किल के साथ वो पढ़ रहे हैं, जिस स्किल के लिए वो पढ़ रहे हैं, वो उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं खुद को, वो उस लेवल तक के जॉब को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत ही बड़ा रीजन बनते जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हाइपर इन्फ्लेशन बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब सभी बच्चों को पता है कि जब आपके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, महंगाई जिसको बोलते हैं, मुद्रा स्फीति बोलते हैं, जिसको आप सभी लोगों को पता है कि जब आप लोगों के प्राइसेस हाई हो जाते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन 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 जिस एक देखो एक वो होता है टारगेट होता है, एक रेट होता है कि इतना बड़े चलो रेट इतना पर ईयर बढ़ रहा है रेट से, चलो ठीक है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? जब जितना हमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा हमें रेट महंगा मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को ऑयल का देखने को मिल रहा होगा, ऑयल फॉर्च्यून ऑयल में क्या गया कि भाई मैं जल्दी बाहर जाता नहीं हूँ, मतलब शॉप वॉप पे ज़्यादा खरीदने वरीदने सामान नहीं जाता हूँ। तो मैं एक बहुत पहले लिया था कि मेरे को फॉर्चून ऑयल मिल रहा था, जो फॉर्चून रिफाइंड ऑयल था वो 85 या फिर 90 तक का मिलता था। अभी एक दो महीने पहले जब मैं गया था, अभी मैं जस्ट गया था 2-3 हफ्ते पहले, भाई वो 170 का दिया मुझे उसने। कितना? 170 का सीधे डबल रेट, 2x, सीधे 2 गुना रेट हमें मिला। तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये हाइपर इन्फ्लेशन है कि आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा महंगाई जब कोई चीज हो जाती है, महंगा हो जाता है, उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं अति मुद्रा स्फीति। बहुत ज्यादा महंगा जब कोई चीज हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। ठीक है,
डिफ्लेशन जब किसी चीज़ की डिमांड घट जाती है या फिर हमारी प्राइसेस की जो वैल्यू वो कम होने लग रही होती है या डिमांड मार्केट में उस चीज़ की है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चे, डिफ्लेशन। और डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन, बच्चे डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन में कन्फ्यूज जाते हैं। डिस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन आपका जो हमने रेट डिसाइड किया कि मान लीजिए पर ईयर, मान लीजिए ऐसा ऐसे समझते हैं ठीक है, ऐसा समझते हैं, मान लीजिए 2020-21 में जो बढ़ा मान लीजिए 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, 21-22 में जो बढ़ा वो 6% बढ़ा, और इस तरीके से 22-23 में जो बढ़ा वो 7% बढ़ा। अब ये क्या बच्चा 5%, 6%, ये 1-1% का बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब यही चीज़ ध्यान रखेंगे, अब यही चीज़ अगर ऐसा हो रहा हो, इन्फ्लेशन आपका बढ़ नहीं बल्कि घट रहा हो, जैसे कि मतलब इन्फ्लेशन होता रहा, जैसे ये मैंने बोला 5%, अब ये बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन 4% ही बढ़ा, इसके बाद बढ़ा तो लेकिन 3% ही बढ़ा, मतलब कि इन्फ्लेशन का जो रेट है जब वो कम होने लगता है तो उस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डिस इन्फ्लेशन, जब आपका इन्फ्लेशन रेट में चेंज आ रहा होता है, इन्फ्लेशन रेट में बदलाव आ रहा होता है, तो उस तरीके के बदलाव को हम बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। किसी भी प्रकार का कुछ इशू है, डाउट है तो पूछ सकते हैं बताइए, किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके इन्फ्लेशन में जो रेट में बदलाव आ रहा होता है, उस रेट को बदलाव को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपना जो प्राइस, जो वैल्यू, इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाता है, जैसे कि अभी ऑयल के रेट्स आपके बढ़े हैं, देखो ये अप्लाई कब होता है और क्यों होता है, देखो ध्यान से आप सभी बच्चों को ये समझना है, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है जब बढ़ जाना, मतलब अति, जब बोलते हैं ना कि आप लोग हाइपर टेंशन ले रहे होते, या मतलब ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्सा होने लगते, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा होता है तो क्या बोलते हैं हाइपर, है ना। इन्फ्लेशन नॉर्मली क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन नॉर्मली क्या होता है बच्चे, महंगाई एक रेट होता है, एक दर होता है कि इतने दर तक चलो महंगाई बढ़ रहा है, एक रेट इतने रेट तक बढ़ रहा है तो चलो चलता है कोई चीज़। अब आप समझो ऐसे समझो, कहाँ है भाई, ऐसे समझो आप लोग कि मान लीजिए कोई 5 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए की चीज़ जो मान लो 6 रुपए में मिल रहा है, चलो अगले साल 7 रुपए में भी मिल रहा है तो चलो हम बोलेंगे भैया देखो मार्केट में इन्फ्लेशन है, थोड़ा सा मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई थोड़ी सी हुई है ठीक है, मार्केट में महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अगर यही 5 रुपए वाली चीज़, जैसे मैंने ऑयल के लिए बताया, 5 रुपए वाली चीज़ अगर आपको अचानक से 18 रुपए में मिलने लगे, 20 रुपए में मिलने लगे, आप इसको क्या बोलोगे, इन्फ्लेशन बोलोगे? नहीं, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, हाइपर इन्फ्लेशन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? हाइपर इन्फ्लेशन बोलोगे, हाइपर इन्फ्लेशन बोलोगे। जिस, ये अप्लाई कब होता है, जब जिस चीज़ का यूज ज़्यादा हो प्रोडक्शन कम हो, यूज ज़्यादा हो प्रोडक्शन कम हो, इस सिचुएशन में इस इनके प्राइसेस हमें हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे पास रिसोर्स कम हो लेकिन यूजेस ज़्यादा हो, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हाइपर इन्फ्लेशन वाला, ठीक है, क्लियर है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक मार्केटिंग वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे यह है कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स ज़्यादा हो, गुड्स बहुत कम आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय, मुद्रास्फीति की खाई एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता है एक्सेस ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, गैप बिटवीन गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड रनअवे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कपल्ड विद रिसेशन इन्फ्लेशन दैट यूजुअली प्रिवेल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, मुद्रास्फीति जो आमतौर पर एक विकासशील देश में होती है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे टाइम में रहते हुए, जल्दी से चलिए।
आप सभी बच्चों के आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? ए आंसर विल बी द राइट आंसर, ए आंसर विल बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर विल बी द राइट आंसर, जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो ओवर हो जाए, एग्रीगेट डिमांड ए डी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए एस, एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए डी व्हेन ग्रेटर देन ए एस, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है आपके मार्केट में, तो उस वाली सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप आपको देखने को मिलता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मिलता है। गैलोपिंग जानते हो, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या रन अवे इन्फ्लेशन, गैलोपिंग का इन्फ्लेशन इस तरीके की इन्फ्लेशन, एक देखो एक होता है इन्फ्लेशन नॉर्मली जो कि 5%, 6%, 7% डिसाइडेड होते हैं ना, ये जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, रन अवे इन्फ्लेशन, ये एक तरीके के हाइपर इन्फ्लेशन वाले पार्ट है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन वाले पार्ट होते हैं जो गैलोपिंग और ये रन अवे इन्फ्लेशन होते हैं। तो हम ये जो नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम ये दर बात करते हैं 5% इंक्रीज हो रहा है, 6% इंक्रीज हो रहा है, 7%, हम इनको बोलते हैं वन डिजिट इन्फ्लेशन। यहाँ पे मतलब क्या कि वन डिजिट में बढ़ रहा है ना, ये 5 क्या है बच्चे, वन डिजिट है, 6 क्या है, वन डिजिट है, 7 क्या है, वन डिजिट है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 13%, 15% है ना, 20%, 25% बढ़ने लगे, ये क्या है बच्चे, टू डिजिट में बढ़ रहा है ना, टू डिजिट में बढ़ रहा है, इस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस टाइप के इन्फ्लेशन को, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इस टाइप को, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। रन अवे इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चे, ये भी एक तरह का रन अवे जंपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग को हम जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम पर भी जानते हैं। रन अवे इन्फ्लेशन क्या होता है, रन अवे इन्फ्लेशन एक तरीके का, ये भी हाइपर इन्फ्लेशन का ही पार्ट होता है, हाइपर इन्फ्लेशन ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है, जब 50% से ज्यादा आप लोगों का ये बढ़ने लगे, ऐसी इन्फ्लेशन जो 50% रेट से ज्यादा बढ़ने लगे, इस टाइप के इन्फ्लेशन क्या कहलाता है बच्चे, आपका रन अवे इन्फ्लेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 रुपए की चीज है, वो अचानक 10 रुपए में मिलने लगे, ठीक है, 5 रुपए सीधे डबल हो जाए, है ना, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा बच्चे, रन अवे इन्फ्लेशन। 50% से ज्यादा रेट पे बढ़ने लगे आपका क्या कहलाएगा बच्चे, रन अवे इन्फ्लेशन। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी किसी बच्चे को कुछ भी इशू है तो। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपको टाइम में रहते हुए आंसर करना है बच्चे सभी लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, स्टैगफ्लेशन, स्लो पेस ऑफ रॉन्गली मैच्ड, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, स्टैगफ्लेशन का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चले आगे बढ़े। किसी बच्चों को कोई ना, बच्चों वाईफाई चला गया क्या यार? हाँ आ रहा है, ठीक है क्लियर। सब बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल है ना? चलिए क्लियर है। तो स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, स्टैगफ्लेशन, ये आपका बिल्कुल परफेक्टली गलत हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये नहीं होता। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपका मार्केट रेट का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता रहे और इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहे। स्टैग्नेंट का मतलब समझते हैं कि इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है और आपके इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहे, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। जब बिल्कुल भी इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं होता है उस इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा होता या डेवलप नहीं कर रहा होता है हमारी इकोनॉमी, तो उस टाइप के इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति का कारण है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन, डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन। सर प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, और आप ठीक होने के बाद भी क्लासेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ले सकता हूँ, बट थोड़ा सा काफी दिनों बाद आपकी क्लासेस हो रही है बच्चों, तो लीव भी लेना जरूरी है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे भाई। तो आप सभी बच्चों के आंसर्स आ गए होंगे बढ़िया से, अब तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन। जब आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया हो और प्रोडक्शन फॉल कर रहा हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा ज्यादा, है ना? लोगों के पास पैसा आएगा ज्यादा। अब लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आ जाएगा और मार्केट में गुड्स हैं कम, गुड्स हैं कम, अब लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आता है तो वो करते हैं डिमांड। रुपया वाले हैं, पैसे वाले हैं भाई, क्यों नहीं डिमांड करेंगे? पैसे वाले होते हैं, अब उनको डिमांड करने का, भाई मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिस पर हाथ रख देंगे मुझे वही चाहिए, ये वाली थिंकिंग आ जाती है। अब जिस पे हाथ रख देंगे वही चाहिए, वो चार लोगों को चाहिए, चार में से तीन के पास तो दबा के पैसा, लेकिन एक के पास पैसा नहीं है। अब उस एक को कैसे मिले, उस एक को कैसे मिले, तो उसके वजह से उस रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे इन्फ्लेशन का, या हम ये कहें मुद्रास्फीति का। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी विल बी द राइट आंसर, आंसर सी विल बी द राइट आंसर। किसी बच्चे को अगर कुछ भी अगर इश्यू होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर इश्यू होता है। ठीक है, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन द प्रोडक्शन। मतलब कहने का ये कि मनी सप्लाई आपकी ज्यादा हो जाए, मार्केट में ज्यादा कर दी जाए और प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत कम है, ठीक है, गिरा दी जाए, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन का जो रेट है, दर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को मैंने बताया ही है कि किस तरीके से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ABHI101। इस कोड का जैसे ही इस्तेमाल करते हैं आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है?
टाइम में रहते हुए आंसर करना है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। डेटर्स हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है बच्चों इन्फ्लेशन टाइम में, बेनिफिट किसको होता है, डेटर्स को होता है। डेटर्स का मतलब क्या होता है समझते हैं, सब लोग अकाउंट्स में पढ़ा होगा। डेटर्स सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है डेटर्स। मान लीजिए ये एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन ने वाई को 20,000 रुपए दिया है, ठीक है 20,000 रुपए दिया वाई को, कितना दिया बच्चों 20,000 रुपए, 20K, ठीक है 20K रुपीज दिया हुआ है एक्स ने वाई को दिया हुआ है, ठीक है ये दिया है 2021 में, ठीक है। अब ये वाई जो है वो क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा एक्स के लिए, और डेटर क्या होता है, एक एसेट होता है। एसेट कैसे, क्यों एसेट होता है, क्योंकि अब ये वाई को एक्स को देना पड़ेगा ये 20,000 रुपए फ्यूचर में, जिस चीज पर फ्यूचर अर्निंग पर हक हमारा हो, या जिस चीज पर हक हमारा हो कहने का, या मालिकाना हक हो, ये सारी चीजों को हम एसेट का नाम देते हैं, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये वाई कहीं ना कहीं 20,000 रुपए फ्यूचर में लौटाएगा एक्स को, तो एक्स के लिए ये क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। अब ये जो है मान लीजिए इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, महंगाई तगड़ी वाली है। अब एक बात बताओ, वाई ने डेट दिया था क्या कि भैया मैं आपको 2021 वाले महीने में, 2021 के जून महीने में लौटा दूंगा पैसा, जून महीने में लौटा दूंगा। अब क्या, अब मान लीजिए इस समय महंगाई है बड़ी अच्छी खासी, एक्स के पास उतना पैसा है नहीं, ठीक है एक्स के पास पैसा है नहीं, और जून वाले महीने में एक्स के पास पैसा है नहीं, और 20,000 रुपए अब अगर वाई उसको दे देगा एक्स को, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई वाला सिचुएशन है वो एक्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो चीज़ों को खरीद सकेगा, चीज़ों को अवेल कर सकेगा, पा सकेगा खरीदने के लिए, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको मिलता है, डेटर्स को मिल पाता है इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में, बेनिफिट मिल पाता है। समझ नहीं आया है, समझ नहीं पाए शिवांगी जी, समझ नहीं पाए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से समझेंगे यार, एकदम इजी तो है। मैंने किसी को बोला हुआ है कि भैया आप मेरे को ऐसे समझो, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में जब आपको कोई पैसा दे दे तो कितना बढ़िया वाला सीन है। मान लो महंगाई है आपके पास 20,000, आपको 20,000 की जरूरत है और कुछ लेना है आपको, आपको ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको कुछ लेना है, और अचानक से आपको याद आता है कि किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं, अचानक से आपको याद आता है कि आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, है ना। अब वो जो किसी को आपने पैसे दिए हैं, ध्यान से समझना, वो जो किसी को आपने पैसे दिए हैं वो उस सिचुएशन में आपको लाकर पैसे वापस कर रहा है, जिस सिचुएशन में आपको सख्त पैसे की जरूरत थी, और वो सिचुएशन है इन्फ्लेशन वाला। इन्फ्लेशन में जब चीज़ें महंगे हो जाते हैं, महंगे के टाइम में आप चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हो, अब खरीद नहीं पा रहे हो, ठीक है क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब उसी टाइम पे वो बंदा पैसा आपको लौटा देता है तो आप वो चीज़ों को खरीद पाओगे। अब वो चीज़ जब खरीद पाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिट वाला सिचुएशन हुआ कि नहीं, डेटर्स कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला सिचुएशन हुआ कि नहीं हुआ भाई। अरे समझ पा रहे हो सभी लोग बच्चों, वो आपके लिए बेनिफिट वाला सिचुएशन हुआ इन्फ्लेशन, तो इसलिए डेटर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, डेटर्स क्रेडिटर्स बिजनेस क्लास या होल्डर्स ऑफ रियल एसेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे अधिक पीड़ित हो जाता है, देनदार जो देता है, लेनदार जो पैसे लेता है, बिजनेस क्लास या वास्तविक संपत्ति के धारक, जल्दी से फटाफट।
तो आप सभी बच्चों को आंसर शो हो गया कि आंसर बी विल बी द राइट आंसर, क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर कौन कहलाएगा? अब ये जो मैंने बताया ना आप सभी लोगों को ए और बी वाला सिचुएशन कि ए ने बी को पैसा दिया, तो ए के लिए क्या कहलाएगा? बी डेटर कहलाएगा, है ना। और बी को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा, एक तो इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है फायदा तो ए को हुआ, ए को तो बेनिफिट मिला भाई कि उस सिचुएशन में ए को पैसा मिला जिस सिचुएशन में उसको सख्त पैसे की जरूरत थी, क्योंकि मार्केट में है महंगाई, महंगाई के पास लोगों के पास पैसा है नहीं भाई, या फिर पैसा उतना ज्यादा है नहीं कि वो उतना महंगा चीजें खरीद सके। बी ने तो पैसा दे दिया था ए को, कभी लिया होगा तो बी ने पैसा दे दिया था ए को, है ना, जिसकी वजह से वो महंगी चीजें भी अफोर्ड कर सका इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में, ए को फायदा हुआ। लेकिन अब आप एक ध्यान से समझो, महंगाई वाली सिचुएशन में बी को पैसा देना पड़ा ए को, तो बी क्या कहलाएगा? बी तो क्रेडिटर कहलाएगा, बी क्रेडिटर हो जाएगा ए के लिए। लेकिन ए के लिए बी क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। लेकिन ये समझना है बच्चों आप लोगों को, अब इसको बी को बेचारे को नुकसान, अब इसके पास 20,000 रुपए कैसे कैसे करके इसने दिए, इसके पास से पैसा और चला गया। अब ये महंगाई वाले सिचुएशन में पैसा किसी को दे दिया इसने, अब वो और जो महंगी ऑलरेडी मिल रही थी चीजें, वो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो, तो कहीं ना कहीं इसको सफर करना पड़ रहा है। तो क्रेडिटर जो होता है उसको इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में सफर करना पड़ता है, उसको ज्यादा पीड़ित पहुंचता है, या फिर हम ये कहें पीड़ा पहुंचता है। और डेटर्स जो होते हैं उनको ज्यादा फायदा मिल पाता है, ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है आपका इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर इन्फ्लेशन कंडीशन तब होता है जब मार्केट में पैसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो सपोज दैट कि कोई शॉपकीपर किसी भी गुड्स के अपने अकॉर्डिंग रेट फिक्स कर सकता है, तो मार्केट में जब पैसे हैं तो लोग उसको परचेज करेंगे, तो प्रॉफिट तो शॉपकीपर को हुआ है। यहाँ पे कहाँ है प्रॉफिट वाला सिचुएशन भाई? यहाँ पे शॉपकीपर को ऑप्शन नहीं दिया है ना, पहली बात। दूसरी चीज ये, दूसरी चीज ऐसे समझो, प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस की बात नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन में आंसर करना है आपको, पहली बात। और दूसरी चीज शिवांगी, आप इसको ये भी समझो कि शॉपकीपर कभी किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, ध्यान से समझो, कभी शॉपकीपर प्रोडक्शन नहीं करता है। शॉपकीपर कोई भी चीज महंगा तब बेचता, और शॉपकीपर खुद से कभी कोई चीज महंगा नहीं बेचता है, उसको भी होलसेलर देता है, होलसेलर को प्रोडक्शन प्रोड्यूसर देता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है। प्रोड्यूसर को महंगा पड़ रहा होता है चीजें प्रोडक्शन करने में, इसलिए वो होलसेलर को महंगा देता है। होलसेलर को खरीदने में महंगा पड़ रहा होता है वो गुड्स, इसलिए होलसेलर रिटेलर को महंगा देता है, और रिटेलर को महंगा खरीदना पड़ता है इसलिए वो कंज्यूमर को महंगा देता है। तो रिटेलर अपने हिसाब से कभी प्राइसेस को बढ़ाकर नहीं देता है, पहली चीज। तो उसको प्रॉफिट वाला यहां पे तो हिस्सा आता ही नहीं कि उसको इस पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए कोई ऑयल, जो मैंने बताया अभी रिफाइंड ऑयल, ध्यान से समझना, मैंने बोला कि मैं पहले 95 का रिफाइंड ऑयल खरीदता था, है ना, रिफाइंड ऑयल जो है वो मैं 95 रुपीज का खरीदता था, अब वो मेरे को 95 वाला रुपीज में मेरे को 170 का मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 75 रुपीज का, जो पहले मानते हैं 5 रुपए का प्रॉफिट या 10 रुपए का प्रॉफिट तेल पर रिफाइंड ऑयल पे होता होगा शॉपकीपर को, तो क्या आप 75 रुपीज का प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो वहां पे प्रोड्यूस करने में, वहां पे टैक्सेस या कई तरीके के कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जिसके वजह से वो ऑलरेडी इतना महंगा हो गया होगा, इसके वजह से उसको शॉपकीपर को महंगा बेचना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 170 रुपए उसने अपने हिसाब से लगा दिया और 170 रुपए में 75 रुपए का प्रॉफिट कमा के और वो बेचना, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपकीपर का कोई चीज आएगा ही नहीं, शॉपकीपर के बहुत चैनल है, एक कंज्यूमर तक कोई गुड्स पहुंचने में बहुत सारे चैनल होते हैं, उन चैनल के बीच में ही बहुत सारे आपके अमाउंट डिसाइडेड होते हैं कि इस अमाउंट में उसको मिला इसलिए वो इस अमाउंट में इतना महंगा बेच रहा है ना। वो जो बेस लेवल, जो रॉ मटेरियल, जो प्रोड्यूसर है उसको ही महंगा बना रहा है, इसके वजह से यहाँ पे रिटेलर को महंगा बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट वाला सिचुएशन यहाँ पे रिटेलर को नहीं होगा, ठीक है। समझ में आगे? नहीं समझ में तो आप बताओ, कोई दिक्कत है तो। समझ गया सभी लोग?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम इन्फ्लेशन इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इन 1999 2000 2000 टू 2001 1 टू 2 2 टू 3। सबसे कम इन्फ्लेशन आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद कब हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म जानते हैं ना सभी लोग, क्यों भाई? 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। वो क्या हुआ था बच्चे? एक इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, है ना? चलो ठीक है, तो जल्दी से आपको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए 19 to 2000। विल बी द राइट आंसर। इसमें सबसे कम इन्फ्लेशन रेट देखा गया था आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 वाली जो पॉलिसी आई थी हमारी, उसके बाद जो सबसे इन्फ्लेशन रेट कम देखा गया था, तो वो आपके 99 और 2000 वाली सिचुएशन में देखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। पहला बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था हमारे भारत के अंदर, भारत में स्थापित प्रथम बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान? चलिए फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, और आप सभी बच्चों को टाइमिंग में रहते हुए आंसर करना। मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, टाइमिंग में रहते हुए आंसर करना है सभी बच्चों को। और जिन बच्चों का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, वो बिल्कुल परफेक्टली आंसर है। तो ये एक पहला बैंक है जो कि हमारे भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, ये हमारा एक पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान विल बी द राइट आंसर, आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा प्रबंधित और 1881 में स्थापित सीमित देयता का पहला बैंक था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध वाणिज्यिक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब और सिंध बैंक? क्या हो जाएगा आपका आंसर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। जिन बच्चों का आंसर बी अवध इंटरनेशनल, अवध कमर्शियल बैंक है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन इंडिया द फर्स्ट बैंक लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज अवध कमर्शियल बैंक, अवध वाणिज्य, अवध वाणिज्य बैंक विल बी द राइट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी बी आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमिड्स द फॉलोइंग रूरल बैंक्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ रिवर। निम्नलिखित में से किस ग्रामीण तट का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? एक नदी के नाम पर रखा गया है, प्रथमा बैंक, प्रथम बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक,
अंचलिक ग्रामीण बैंक या फिर अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए आगे बढ़े, तो आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, वरद वरदा ग्रामीण बैंक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वरदा ग्रामीण बैंक विल बी द राइट आंसर। ये एक ऐसा आपका बैंक है या फिर हम ये कहें ग्रामीण तट है जो एक नदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलिए शेड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, एक अनुसूचित बैंक वह है जो इसमें शामिल है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या नन ऑफ द अबव। एक अनुसूचित बैंक वह है जिसमें शामिल है एम बैंकिंग, मै बैंकिंग, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये मैं ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया एक्चुअली। ठीक है, पांच चार तीन दो एक, ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली आंसर राइट हो जाएगा। आप सभी बच्चे लोगों को टाइमिंग पे आंसर नहीं करना है, हाँ टाइमिंग कुछ भी हो जाए आंसर नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए सभी बच्चों का जिसका आंसर ए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर है। शेड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द बैंकिंग इन द रेगुलेशन। क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इंसिनिया ऑफ द आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है, लायन टाइगर पैंथर या एलिफेंट। देखते हैं इसका आंसर कौन आंसर सही देता है। काफी बच्चे, मुझे पक्का पता है कि ये काफी बच्चे लायन आंसर देंगे, काफी बच्चे टाइगर देंगे, काफी बच्चे पैंथर देंगे, कभी एलिफेंट तो कोई नहीं देगा। देखता हूँ एलिफेंट वाले आंसर कौन होते हैं, एलिफेंट वाले आंसर कौन देता है। कौन कौन है भाई एलिफेंट वाला, एलिफेंट वाले आंसर वाले कौन कौन है बच्चे, क्यों बच्चों सो योर आंसर विल बी सी विल बी द राइट आंसर। पैंथर जो है वो हमारे आरबीआई का एक मतलब एनिमल, एक ऐसा एनिमल है जो कि आरबीआई का एक साइन है ना, एक प्रतीक चिन्ह है। टाइगर, टाइगर सही आंसर है, है? अच्छा जी,
बीबी वाले सारे आंसर है। पैंथर की पिक वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ, सच्ची बताऊँ पैंथर की पिक ढूंढ रहा हूँ मैं भी। पैंथर बिल्कुल सही है बच्चों, पैंथर ही आंसर होगा क्योंकि मैंने मुझे ना पैंथर दिख गया। आप लोगों को मैं बताऊं पैंथर कौन होता है, देखो मैं बताता हूँ। अपने वो बच्चे मूवी देखी है जंगल बुक, देखिए जंगल बुक, द जंगल बुक मूवी देखी है किसने किसने, वो जो बच्चा होता है बच्चा, और उसमें जो बच्चे वाला जंगल बुक है ना मूवी का नाम, हाँ, तो उसमें जो गुंडा वाला वो जो शेर होता है ना, जो शेर जो गुंडा जिसकी आंखें पीली पीली होती है, पीली पीली आंखें पीली पीली नहीं होती है, तो वो जो होता है ना वो उसको वो पैंथर होता है, पैंथर ठीक है उसी को बोलते हैं पैंथर। ठीक है अच्छा, अगर वैसे देखना है तो आप सभी बच्चों को ऐसे दिखा सकते हैं पैंथर कैसा होता है भाई। ये देखो ऐसी होती है पैंथर की पिक, देखो ये होती है पैंथर की पिक बच्चों, ये सब देख पा रहे हो, सब पैंथर की पिक है। ऐसे हमारे आरबीआई एक्शन, ये आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, समझ रहे हो, ये आपकी पैंथर की पिक ऐसी होती है। ठीक है याद आ गया सभी को, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पैंथर विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं टाइगर पैंथर लायन, लायन में तो अलग ही कंफ्यूज नहीं होते बट हाँ इसमें जरूर होते होंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। ठीक है और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों का इंडियन इकोनॉमी का सेशन चल रहा है और अभी एक और सेशन आप लोगों का 4 बजे से फिर से क्लास है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हैं उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स का सेशन जल्द से जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ और वो स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी बच्चों को क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे आप सभी बच्चों की ये क्लासेस होंगी और 3 से 4 क्लासेस पर डे होंगी आप सभी बच्चों की अभी इस महीने में। ठीक है इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अब समझ जाएगा पैंथर पैंथर। ठीक है अब आप सभी बच्चों को क्या कर लेना है, अगर कुछ भी आप सभी बच्चों को डाउट होता है, एक सेकेंड,
आप सभी बच्चों के पास एक मिनट का समय, दो मिनट का समय है। जिन बच्चों को कुछ भी अगर पूछना है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, या फिर किसी क्वेश्चन कुछ को क्वेश्चन डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा डाउट हो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया ही है कि आप सभी बच्चों की क्लासेस जो है टाइमिंग आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट भी कर दूंगा मैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये आप सभी मैंने को बताया, सभी बच्चों को बताया कि 25 तारीख से आप सभी बच्चों के प्लस कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। 2 बजे से कोर्सेस होगा, आप सभी बच्चों का 2 बजे से 25 तारीख से कोर्सेस होंगे। कोई बच्चा ज्वाइन करना नहीं भूलेगा, 2 बजे से 25 तारीख के प्लस कोर्सेस होंगे। सो कोई भी बच्चे जो कॉमर्स से हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बेस्ड तरीके से हम पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जो प्लस का जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 25 तारीख से 2 बजे आप सभी लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और 30 तारीख तक चलेगा, 30 या 29 तारीख तक चलेगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, 2-2 घंटे का सेशन होगा और बड़ा ही मज़ा आने वाला है सीरियसली। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं और आप सभी बच्चे चाहते हैं कि आप सभी बच्चों को कॉमर्स के सेक्शन कंप्लीट किए जा सके और 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, तो आप सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन 400 से 500 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा इस सेशन को, प्लस के कोर्सेस, इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ ज्वाइन कर ले। और आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया है कि अगर आप लोग 6 मंथ का या फिर 12 मंथ्स का आप लोग सेशन या फिर सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी बच्चों को 10% का, पहली बात तो प्लस 1 मंथ का आप लोगों को एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। और इसके बाद अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ABHI101 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे लगता है इसको येलो कलर मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये ABHI101, जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चे ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आप सभी बच्चों को कुछ भी अगर डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप सभी बच्चों को जितनी भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं उनके लाइव नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिल रहे हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, आपके प्राइजेस हाइक होने जा रहे हैं, प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, आपके प्राइसेस इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो आप उस इंक्रीजिंग प्राइस पे आप लोग ना खरीदे, इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें जिससे कि आप सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो हो रही हैं प्लस में वो आप सभी बच्चों को मिल सके हमारे सारे फैकल्टीज के द्वारा। सर क्या आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं पढ़ाता मैं प्यारे दोस्तों, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ जो कि कॉमर्स का जो सेक्शन है अकाउंट्स, उस वाले से अकाउंट प्रॉपर तरीके से जो आपका अकाउंटिंग पार्ट ही अलग है उसको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ अकाउंट जो आपका कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स में जो अकाउंटिंग है वो वाला अकाउंटिंग में आप सभी बच्चों को मैं टीच करता हूँ। ठीक है सोना भट्ट जी, आप जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए, तो वह आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आप ध्यान रखेंगे, इसी कोड का अप्लाई करेंगे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए, ABHI101 इस कोड का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को, कोई डाउट किसी भी प्रकार का किसी बच्चों को? प्लीज पढ़ा दीजिए, आपकी वीडियो देखी थी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। अब एक बात बताओ बच्चे, थैंक यू सो मच, बट एक्चुअली क्या है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अब मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाता बच्चों को, वो चीज़ कैसे मैं आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि भाई वो चीज़ मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़ाऊँ, है ना, तो सॉरी फॉर दैट। बट कोशिश रहेगी, मैं आप लोगों को अकाउंट्स तो पढ़ाऊँगा ही, अकाउंट्स पढ़ सकते हो आप मेरे से, ठीक है, और जल्दी स्टार्ट करूँगा। जिन बच्चों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें,
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों से। इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है, इस कोड का जरूर जरूर से इस्तेमाल करें 10% डिस्काउंट के लिए आप सभी बच्चों को प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। आई होप सो क्लासेस आप सभी बच्चों को बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा देखने में, आप सभी लोगों को एंजॉय किया होगा और आप सभी बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज मिली होगी। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर करना आप सभी बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके आप सभी और अपने रिलेशन में, आप फ्रेंड्स में, या फिर जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन मिल सके एक बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के थ्रू। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारे फैकल्टीज़ की क्लासेस की नोटिफिकेशन, लाइव नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो सभी बच्चों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आई होप सो मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा सभी लोगों ने। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी बच्चों को। और आप सभी बच्चों की फिर से 4 बजे क्लासेस है, इकोनॉमिक सेक्शन का ही होगा, फिर इसके बाद हम कॉमर्स का पढ़ेंगे, फेमा 6 फेमा हमारा कंप्लीट कर रहे होंगे, 2-3 क्लासेस में उसको भी कंप्लीट करके करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन उसके भी आप पर भी करेंगे, प्लस के कोर्सेज के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, मेरे प्यार भरा नमस्कार आप सभी बच्चों को, जय हिंद।